क्रिकेट जगत की पहचान बन चुके पैसिफिक प्रीमियर लीग का इस बार शानदार और रंगारंग आगाज हुआ। शहर के पैसिफिक विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता का आगाज देश के जाने माने क्रिकेटर चेतन शर्मा ने किया। इस मौके पर पैसिफिक प्रीमियर लीग के चेयरमैन अमन अग्रवाल ने बताया कि इस लीग में 8 टीमों के कुल 140 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 12 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में मैच शहर के फील्ड क्लब और पैसिफिक क्रिकेट मैदान पर आयोजित होंगे। प्रतियोगिता में उदयपुर, जयपुर, भिलवाड़ा सहित नेपाल के कई क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता में खेल रहे कई खिलाड़ी प्रतिष्ठित रणजी और कॉल्विन शील्ड जैसी प्रतियोगिताओं में अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। अमन अग्रवाल ने साफ किया कि आने वाले समय में इस लीग को और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा ताकि शहर की प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच दिया जा सके। वहीं पैसिफिक विश्वविद्यालय के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने बताया कि उनका मकसद ग्रामीण अंचलों में मौजूद प्रतियोगिताओं को आगे लाकर एक बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। जो पैसिफिक प्रीमियर लीग पैसिफिक यूनिवर्सिटी पिछले 4 साल से करा रही है वंडर सेवन क्रिकेट अकेडमी के साथ मिलकर। मैं इसके अंदर T20 के अंदर वाइट बॉल और कलर ड्रेस के साथ ये मैच खेला जाएगा। एकदम एक आप मिनी आईपीएल बोल सकते हैं जिसे। ये मैचेस कल से सुबह फील्ड क्लब से चालू होंगे, जिसके अंदर हमने ऑडियंस कॉन्टेस्ट अलर्ट भी रखा है, जिसमें 1000 रुपये कोई भी प्लेयर कोई भी ऑडियंस का आके वहाँ पे बाहर कैच पकड़ेगा तो उसे 1000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलेगा। एंड और भी ऐसे एक्साइटिंग प्राइजेस है। इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे खेल रहे हैं जो राजस्थान टीम से और अलग अलग उदयपुर टीम से खेले हुए हैं, तो मैं उन प्लेयर्स का ऑल बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा उनको आपके माध्यम से। एंड थैंक यू सो मच। चेतन शर्मा जी, जैसे लोग इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, कितना प्रोत्साहन मिलता है? सर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमारे लिए, एंड आई वुड लाइक टू थैंक सर फॉर हिज टाइम। सर के आने से यहाँ पे प्लेयर्स को बहुत सारा मोटिवेशन मिला, क्योंकि सर एक इंडिया टीम से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, एंड इंडिया टीम के किसी भी प्लेयर को देखना किसी भी एक बड़े फैन रहे हैं सर के सारे फैन रहे हैं, तो इसलिए चेतन सर के आने से बहुत मोटिवेशन मिला प्लेयर्स को। एंड थैंक यू सो मच सर। फ्यूचर के लिए ये जो PPL है, इसका क्या गोल सेट किया है? सर फ्यूचर के लिए हमने इसका ये गोल सेट किया है कि एक जैसे IPL से इंडिया टीम को प्लेयर्स मिलते हैं, तो हमारा फ्यूचर के लिए ये गोल है कि PPL से उदयपुर टीम के लिए हमें प्लेयर्स निकले, ताकि उदयपुर का जो यूथ है जो छिपा हुआ है आज की डेट पर, वो आगे बढ़े और उसको लोग देखे एंड उनको आगे बढ़ा सके हम। अच्छा, PPL को लेके जो गोल है, एक IPL क्या सीनियर्स के लिए है। हम लोग ये जो खिलाड़ी जो यूथ आता है, अंडर 16 हुआ, अंडर 21 हुआ, अंडर 25 हुआ, उसको पहले उदयपुर स्टेट लेवल तक ले जाएंगे, फिर इसको स्टेट लेवल तक ले जाएंगे, और कुछ आने वाले सालों में इसको इंडिया लेवल का टूर्नामेंट, अंडर जो टूर्नामेंट है, जो सीनियर खिलाड़ी उनके लिए ये टूर्नामेंट बनाएंगे हम। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रोसर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टांके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजर, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330।